भाई साहब हमने 8709 प्रीमियम क्यों किया है, इसमें ऐसे ऐसे फीचर दिए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपको देखने के नहीं मिलेंगे। अब इसके साथ भांजा भी चला के दिखाओ। भांजा क्या हो गया? है ना भांजा पीछे खड़ा है वहाँ। कौन वो रिपर की बात? उसको भांजा बोल दिया। अरे भाई अभी चला के दिखाते हैं भाई। राजा भाई कारखाने में हम, और यहाँ पे देखो खुद लगे हुए हैं बनियान में, पसीने में लथपथ हैं। राजा भाई इधर भी देख लो थोड़ा सा। दो मिनट रुके मैं आपको मिल रहा हूँ। ये देखो काम करते हुए कारखाने में। अब और सुनाइए कब आए बेटे आप? बस जी मैं तो आया ढूंढता रहा आपको, अब यहाँ मिले हो बनियान में पसीने में लथपथ। अच्छा अब ये फैक्ट्री में ये काम भी करते हो? अरे भाई साहब ऐसा है, अपने किसान भाइयों को अच्छा मशीन देना है तो मैंने 2 घंटे जरूर खुद कार्य करता हूँ, ताकि फॉरन अपने स्टाफ को, जो मेरे स्टाफ काम करता है उनको समझा सकूँ कि ऐसे नहीं ऐसे काम करता। मुझे तो ऐसा लगता था कि राजा भाई सिर्फ एसी में बैठते हैं। एसी में बैठ के भाई कार्य नहीं होता, फील्ड में काम करना पड़ता है। फिर भी कंपनी में कार्य दोस्तों आगे बढ़ा, इस लेवल पे पहुंच के भी आदमी को सल्यूट है यार। शुक्रिया। इतना कुछ है इनके पास तब भी लगे हुए देखो काम करने में, और पीछे कारखाना है इनका। अच्छा आज आपके पास आए हैं इतने दूर से चल के कुछ नया देखने के लिए? अरे भाई साहब बिल्कुल नया दिखाएंगे। ऐसा करिए अभी शूट मत करिए, 15-20 मिनट रुकिए थोड़ा, मैं ये हाँ अपना कान निपटा लो फिर मैं आपको मिलता हूँ। कान निपटा लो, 15 मिनट रुकिए। ठीक है तो दोस्तों फैक्ट्री से तक खेत में आ गए हैं राजा भाई की R700 प्रीमियम मॉडल के साथ, जिसमें रीपर भी ले जाता है। तो राजा भाई क्या धमाल किया, प्रीमियम क्यों लगा दिया मशीन के आगे? अरे भाई साहब प्रीमियम इसलिए लगाया है, इस मशीन में बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं, और इसमें प्रीमियम में हमने एलिफेंट फिल्टर का भी उपयोग कर दिया है। एलिफेंट फिल्टर? बिल्कुल जी, ये देखिए हमने एलिफेंट फिल्टर का भी उपयोग कर दिया। दोस्तों देख सकते हैं नई चीज है, एलिफेंट फिल्टर लेकर आए हैं ये। अच्छा ये बताइए पहले डेमो स्टार्ट करते हैं, बाद बीच बीच में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जहाँ पे धान की कटाई हुई है मेन, जहाँ पे जो धान की कटाई वाला खेत होता है ना बहुत हार्ड होता है, जो ये पराली है इसको मिक्स करना होता है, तो फार्मर को कैसे पता चलेगा कि हार्ड भूमि में चल रहा है? तो जहाँ पे मैं जोत के दिखाऊंगा। आशु बेटे जरा आइए, जरा चला के दिखाइए जहाँ पे, यहीं पे जोत के दिखाओ। अरे इसी पे जमीन पे जोत के दिखाऊंगा, और जितना भी ये फालतू का घास फूस पराली है ना ये उसको मिट्टी में मिक्स कर देगा जी। देखो मुश्किल लग रहा है मुझे। अरे भाई साहब हम क्योंकि जड़ें हैं इसमें। अरे भाई साहब जड़ों को ही मिक्स करना था, अगर तभी तो हमने इसका नाम R709 प्रीमियम किया है। अगर ये जड़े ही नहीं मिक्स कर पाया तो रोटावेटर हमारा लेने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब जी। तो भाई डेमो स्टार्ट हो गया है, आपके सामने सब कुछ जड़े हैं, धान की जड़े हैं इसमें, और सारी उखाड़ के बाहर फेंक दिए थे। ये देखिए भाई साहब कितना जबरदस्त हार्ड खेत है, और कितनी प्राली है, जड़ से पौध को निकाल रहा है। और अभी जो मशीन है ये मैं पहले गियर में चला रहा हूँ, जब दूसरा गियर आएगा डालेंगे तो पूरा फाड़ के रख देगा। आज बेटे दूसरा गियर का उपयोग करो, ये देखिए अभी ये दूसरा गियर का उपयोग कर दिया, ये देखिए मशीन कितनी तेज चलने लग गई है भाई साहब। ये है हमारी R709 प्रीमियम की कामयाबी और ताकत भाई साहब। बिल्कुल राजा भाई, जो इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है ये लाल लाल क्या चीज है ये? अरे भाई साहब ये नैनो गियर है, इसका बड़ा खास महत्व है। अगर इसको छोड़ देंगे, देखिए बेटे छोड़ना, ये देखिए मशीन बंद हो गया, जब हम इसमें रिपर चलाएंगे तब नैनो गियर का ही उपयोग होता है, बिना नैनो गियर से तो रिपर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेन इसका जो मेन मतलब है जब ट्रॉली चलाना है या रिपर चलाना है वहाँ पे ये नैनो गियर की टेक्नोलॉजी कार्य करती है भाई साहब। तो ये कहेंगे सेफ्टी फीचर भी है? ये बिल्कुल सेफ्टी फीचर भी है, जैसे देखिए आशु बेटे जरा दबाओ, ये देखिए दबाया और चल पड़ा। अब जब से आशु जरा छोड़ना, ये देखो बंद हो गया जी। बिल्कुल ये है इसकी नैनो गियर की टेक्नोलॉजी भाई साहब। अच्छा राजा भाई एक तो एलिफेंट फिल्टर लगा हुआ है इसमें, जी जी जी, साथ में 2 फिल्टर उड़ दिए हैं, जी जी वो भी दिखाओ कौन कौन से। अरे भाई साहब 1 मिनट रुकना बेटे रुकना, देखिए इसमें क्या है, एक हमने यहाँ पे फिल्टर दिया, ये देखिए ये स्पेशल फिल्टर है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा ये देखिए, अच्छा। एक तो जहाँ पे फिल्टर है इसके, ताकि मिट्टी का एक कचरा भी एक कण भी ब्रिक से ब्रिक इसके अंदर नहीं घुस सकता। एक आगे भी इसके फिल्टर है, ये देखिए एक जहाँ पे भी हमने फिल्टर लगा दिया है, एक यहाँ पे भी फिल्टर लगा दिया, ये देखिए भाई साहब। अच्छा ये देखिए टोटल 3 फिल्टर, 3 फिल्टर लगा दिए, पहली ऐसे हिंदुस्तान की पहली ऐसी मशीन है जिसमें हमने 3 फिल्टरों का उपयोग किया है भाई साहब। जी जी जी, ताकि मेन होता है इंजन हार्ट है इसका, ताकि इंजन खराब ना हो इसलिए हमने 3 फिल्टरों का उपयोग किया है भाई साहब। इंजन खराब ही नहीं होगा भाई साहब, लाइफ टाइम की गारंटी है मेरी। अच्छा जी, ऐसे इसमें पेट्रोल खत्म हो गया जी, एयर ले लेती है मशीन जी, तो एयर कहाँ निकलेगी? अरे भाई साहब इसमें फीड पंप लगा हुआ है, आइए भाई साहब मैं दिखाता हूँ आपको। अरे आशु बेटा रुको 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 रुको, ये देखिए इसमें हमने फीड पंप भी लगा दिया है, ये देखिए जी। अच्छा
ये देखिए इसका फीड पंप है भाई साहब। भाई फीड पंप लगा के बढ़िया कर दिया आपने, लेकिन अगर पेट्रोल में ऐसे नमी के दिनों में, बारिश के दिनों में नमी आ जाए, इसके पेट्रोल के अंदर कचरा आ जाए, तो पूरा टैंकी खोलना पड़ेगा। टैंक खोलने की जरूरत नहीं है, इसी फीड में, फीड पंप में हमने टैंक टीवी लगा दिया है। ये देखिए इसको ऊपर अच्छा। कर देना, पूरा पेट्रोल निकल जाएगा, पूरा टैंक खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और पूरा टैंक साफ हो जाएगा भाई साहब। पहले किसी मशीन में नहीं था। अरे ये भाई साहब हमने R709 प्रीमियम क्यों किया है, इसमें ऐसे ऐसे फीचर दिए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपको देखने के नहीं मिलेंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप, सारी जड़े बाहर कर दी हैं धान की और यहाँ देखो सूखा है, पूरा सूखा है यहाँ पे। ये देखिए हमने R709 के पीछे बेड मेकर लगा दिया है, आगे रोटावीटर चलता जा रहा है और पीछे ये बेड मेकर। अगर फार्मर भाई ने बेड बनाने हैं तो इससे बना सकता है और इससे बड़े छोटे भी बेड किए जा सकते हैं। वो जो आगे हमने जो बेड मेकर बनाया है वो एडजस्टेबल है भाई साहब, कितना भी आप खोल सकते हैं, कितना भी उसको तंग कर सकते हैं भाई साहब। जी, देखो दो बेड बना के दिखा दिए उन्होंने यहाँ पे और ये पहले जुताई करी उसके बाद बेड बनाए हैं। अगर फार्मर भाई ने मिट्टी लगाना चाहते हैं, जैसे लाइनदार खेत होते हैं, जैसे मिर्ची में मिट्टी लगाना है, टमाटर में मिट्टी लगाना है, बैंगन में मिट्टी लगाना है, ईख में मिट्टी लगाना है, तो इसी प्लाव से फार्मर भाई मिट्टी लगा सकते हैं और ये तंग बीड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ये इसको रुकिए बेटे रुकिए, देखिए जो ये प्लाव है ये कितना भी आप तंग बीड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट दिया गया है, आप 28 इंच भी कर सकते हैं, इसको 9 इंच भी कर सकते हैं फार्मर भाई, जितना भी फार्मर भाई चाहते हैं कर सकते हैं। और मिट्टी आप देखिए तकरीबन 1 फीट हाइट पे ऊपर मिट्टी लगाई है भाई साहब। अरे भाई साहब ये देखिए, अगर कोई फार्मर सीट के ऊपर बैठ के भी चलाना चाहता है तो हमारा मशीन सीट के ऊपर भी बैठ के चलाया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कई फार्मर कहते हैं कि हमने पैदल नहीं चलाना, तो सीट के ऊपर भी फार्मर भाई चला सकते हैं, इसको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है भाई साहब। जी सीट भी लगा दी है बिल्कुल। अच्छा, सीट राजा भाई एक बात मुझे बताओ। हाँ। जैसे मशीन है हाँ? इसको मान लो बेचने ले रखी किसी ने पहले हाँ, से हाँ, हाँ। इसको बेचनी है। अरे भाई साहब बेचने की क्या जरूरत है भाई साहब, फिर भी मशीन मान लो अपग्रेड जाता है हाँ, हाँ। तो पुराने वाले को बेचना चाहता है हाँ, हाँ, हाँ। तो एक एम्बोसमेंट बहुत जरूरी है जी, ब्रांड बहुत जरूरी बिल्कुल है। जरूरी है, आपने एम्बोसमेंट क्यों नहीं करा? अरे भाई साहब बिल्कुल एम्बोस किया हुआ है, हर पार्ट के ऊपर हमारा जो ब्रांड है एम्बोस रहेगा। आइए भाई साहब, बिना एम्बोस के मशीन लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल देखिए आप बेटे बंद करो, ये देखिए जहाँ पे भी हमारा जो ब्रांड है यहाँ पे भी एम्बोज किया रहेगा और जहाँ पे टूल बॉक्स के ऊपर ये देखिए जहाँ पे भी एम्बोज किया गया होगा हर पार्ट में, इंजन के ऊपर पीछे से दिखाइए, हर जगह पे हमारा जो पार्ट है एम्बोज होगा भाई साहब। ऐसा नहीं है, बिना एम्बोज के तो मशीन किसी से लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा मतलब एम्बोसमेंट भाई साहब देखिए हम बाजार से सामान लेते हैं, एक पेन लेते हैं 10 रुपये का, उसके ऊपर भी एम्बोस किया रहता है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी फार्मर कहीं से भी ले, जो भी मशीन ले, जिस कंपनी से भी ले, उसका जो ब्रांड नेम है एम्बोज होना जरूरी है भाई साहब, बिना एम्बोज के मशीन लेना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारा जो ब्रांड नेम है RBW, ये सभी जगह पे RBW लिखा रहेगा भाई साहब। देखिए ये हमने पीछे लेवलर लगा दिया है, फार्मर भाई ने जमीन को समतल करना होता है तो इस लेवलर के राही फार्मर भाई अपने खेत को आराम से समतल कर सकता है भाई साहब, बड़ा ही आसान है भाई साहब जी। अगर किसी को एक साथ एक सीध में करना है खेत अगर जी जी, तो लेवलर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है जी जी। इसी नहीं फार्मर भाई अगर लोहे का, ये तो हमने लोहे का लेवलर बना रखा है, फार्मर भाई अपने फट्टे का भी लेवलर बना सकते हैं, लकड़ का भी बना सकते हैं, वो और बढ़िया चलेगा भाई साहब। अच्छा राजा भाई एक बात बताओ जी, मशीन कॉम्पैक्ट है जी, पावर है जी, 7.75 HP की है जी जी, कितने सीसी की है? ये भाई साहब 245 CC का है। ये देखिए रुकिए भाई साहब, ये देखिए जहाँ पे इसके ऊपर लिखा होगा 245 CC, ये देखिए भाई साहब जहाँ पे 245 CC है, ये जो तभी मशीन में इतनी ताकत है, इतने हार्ड खेत को जोत पा रही है। अगर सीसी कम होगी तो इतने हार्ड खेत को जोत ही नहीं पाएगी। एवरेज का रेट बिल्कुल, जो एवरेज रहेगी इसकी मात्र 600-700 ml रहेगी। जितना ज्यादा सीसी रहेगा उतना पेट्रोल भी कम खाएगा और काम मशीन भी स्मूथ चलेगी भाई साहब। बस 600-700 ml मात्र 600-700, अगर सीसी कम रहेगा तो मशीन का जोर लगेगा और पेट्रोल ज्यादा खा जाएगी भाई साहब। सीसी बड़ा महत्व है यहाँ पे, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारा जो मशीन है ये 7.75 इटालियन सीरीज का, ये मात्र 2.245 CC का है भाई साहब। अगर फार्मर भाई ने जब मशीन खरीदनी हो भाई साहब, अपनी मशीन देख के खरीदें वो कितने सीसी का ले रहा है। सीसी बहुत जरूरी है, फार्मर भाई क्या करते हैं अकेला हॉर्स पावर पूछ लेते हैं, सीसी पूछते ही नहीं है भाई साहब, सीसी बहुत जरूरी है। ये देखिए भाई साहब पक्के में गेहूं की बिजाई हो रही है, जहाँ पे जोता नहीं हुआ, एक एक दाना जैसे देखिए कैसे गिरता हुआ जा रहा है। ये देखिए भाई साहब एक एक दाना गिरेगा भाई साहब, ये देखिए
ये देखिए दोस्तों लाइन से, ये देखिए एक एक दाना गिरेगा, ये नहीं, ये देखिए इधर पूरा दिखाइए मेरे फार्मर भाइयों को, एक एक दाना गिरेगा भाई साहब। सबसे बड़ी बात है ये एडजस्टेबल है, इसमें कैसा भी दाना आप गिरा सकते हैं। और ये दो बॉक्स दिए गए हैं, इसमें आप फर्टिलाइजर भी साथ में डाल सकते हैं। अभी मेरे पास फर्टिलाइजर नहीं था इसलिए आपको डाल के नहीं दिखाया, अभी सिर्फ गेहूं डाल के दिखाया है। ये देखिए ये सबसे बड़ी सफाई है, ये कुछ भी बोना हो, सरसों बोना हो, बाजरा बोना हो, वो भी इसके साथ बोया जाएगा। ये देखिए एक एक सिंगल सिंगल दाना कैसे गिरा है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपने देखा कैसा लगा डेमो? सही चली मशीन सीडर? अच्छा कहाँ से आए हैं आप, यहाँ के लग रहे हैं? बिहार से आए हैं। अच्छा डेमो देखने आए हैं यहाँ पे? अच्छा मशीन लेने आएंगे कंपनी में? जी 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 जी, मतलब आते रहते हैं किसान। अरे भाई साहब किसान हमारी ताकत है, किसान यहाँ पे प्रॉपर रहने का खाने का प्रबंध किया जाता है। मैं तो चाहता हूँ फार्मर भाई हमारे पास विजिट करें, जहाँ पे लाइव डेमो जो मैंने वादा किया वो मैंने पूरा करके दिखाता हूँ भाई साहब। भाई राजा भाई मामा तो बड़ा तगड़ा चला, ठीक है हमने पास कर दिया मामा को, ठीक है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसके साथ भांजा भी चला के दिखाओ। भांजा क्या हो गया? है ना भांजा पीछे खड़ा है वहाँ, कौन वो रिपर की बात, उसको भांजा बोल दिया। अरे भाई अभी चला के दिखाते हैं आपको, मामा के साथ भांजा दोनों ही चला के इकट्ठे दिखाते हैं। अरे अभी चला देखिए, ये धान खड़ा है अभी प्रॉपर पका नहीं है, और जहाँ पे कैसे कटाई करेगा भांजा वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, अभी करके दिखाते हैं। दोस्तों देखो धान की कटाई हो रही है मामा भांजा से, मामा है मशीन, भांजा है रीपर, ठीक है? और राजा भाई ये कमाल का रीपर देखो। अच्छा राजा भाई मैंने और भी देखे हैं रीपर चलते जी, जी, जी। सटी नहीं चलते। अरे भाई साहब ऐसा है वो इसलिए नहीं चलते, सबसे बड़ी बात है ये चेन वाला रिपर लिया गया है। अच्छा। और दूसरी बात ये है जो हमारा जो इंजन है वो 245 सीसी का है। इनमें दोनों की इतनी बढ़िया मतलब पावर ट्रांसमिशन इतना अच्छा है। हाँ। सब चैन लगाई है वो। हाँ, देख रहा हूं। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है जब हम इसको दबाते हैं तो ये चलता रहता है, अगर इसको छोड़ देंगे ये तुरंत बंद हो जाएगा। ये नैनो टेक्नोलॉजी के कारण ही रिपर इतना बढ़िया चल रहा है। और दूसरी बात ये है इसका जो इंजन की जो सीसी है ये 245 सीसी है, अगर 245 सीसी का इंजन नहीं रहेगा तो प्रॉपर रिपर कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इंजन में ताकत है वो बहुत ज्यादा ताकत है भाई साहब। क्योंकि पावर देखिए फार्मर क्या करते हैं, वो पावर पूछ लेते हैं 7 पावर का 6 पावर का 10 पावर का, सीसी कभी नहीं पूछते। सीसी जरूर पूछना चाहिए, सीसी का मतलब होता है कितना पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है। ये 245 का सीसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है 245 बार एक मिनट में ऊपर नीचे जा रहा है जी। अच्छा इन मामा भांजा का क्या कीमत है? थोड़ा देखिए देखिए, पहले तो मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, जो हमारा जिसको आप मामा बोल रहे हैं इसका वैसे नाम है R709 प्रीमियम, इसका जो रेट है 50,000 रुपये है, टच स्टार्ट है, इसमें साथ दो रबड़ के टायर तो हम देंगे ही देंगे, साथ में 32 ब्लेड की रोटरी देंगे, और साथ में हम 4,000 रुपये की कोई भी फार्मर बाद में फ्री अटैचमेंट ले सकता है जी जी जी। और जो भांजा है अपना, जो भांजा है भाई साहब इसकी जो कीमत है 45,000 रुपया है, इसकी जो कीमत होगी 50 + 45 95,000 रुपया होगी भाई साहब। कोई अगर दोनों लेता है, मां भांजा को खट्टा लेता है, हाँ। तो उसका क्या प्राइस रहेगा? अगर देखिए इस जो भी फार्मर भाई इन दोनों का कॉम्बो पैक लेगा, जिसका जो रिपर का जो मॉडल नंबर है वो उसका जो मॉडल नंबर है R721 है, और इसका जो मॉडल नंबर है R709 प्रीमियम है, उसको हम स्पेशल 5,000 का डिस्काउंट करेंगे। जो भी हमें मांजे आपके ये वीडियो का मामा मांजे वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको हम ये पावर वीडर और साथ में ये रिपर जो 3 फीट का चेन वाला स्पेशल रिपर है, ये जिसमें हमने क्लच भी लगाया, ये देखिए यहाँ से क्लच का क्या मतलब है, अगर हम घर से खेत में जा रहे हैं तो आपने अगर रिपर बंद करना है तो इसको ऊपर कर देंगे तो रिपर बंद हो जाएगा। इसका जो प्राइस रहेगा 5,000 स्पेशल डिस्काउंट करके हम ये मात्र 90,000 रुपये में देंगे, 5,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट देंगे भाई साहब। कोई भारत के किसी प्रांत में हो भाई वीडियो देख रहा है जी, उसको मशीन मंगवानी है, कैसे उसको मिलेगी? अरे भाई साहब मैं चाहता हूँ फार्मर भाई हमारी कंपनी में आए, विजिट करें, जहाँ पे लाइव डेमो दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने डेमो करके दिखाया है, एक तो खेत काफी गीला पड़ा है, देखिए ये प्रॉपर गीला पड़ा है, और जो धान भी है प्रॉपर पका नहीं है, ठीक है ना जी। फिर भी हमने लाइव डेमो करके दिखाया है, किसान भाई बिहार से आए हुए थे, अगर किसान भाई ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं उनको कंपनी का करंट अकाउंट भेजेंगे, उनको मात्र 5,000 रुपये डलवाना है और एड्रेस और पिन कोड भेज देना है, मशीन डिस्पैच कर देंगे या मशीन उनके राज्य में क्षेत्र में पहुँच गया, बाकी का पैसा कंपनी के अकाउंट में डलवा देना, मशीन की डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में राजा भाई, जिन्होंने इतनी शानदार मामा भांजे की जोड़ी दिखाई हमें आज,
और काफ़ी अच्छे डेमो दिखाए। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर ऐसी किसी मशीन की आपको जरूरत है तो इन्हें सेवा का अवसर जरूर देना है। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।